सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। घूर्णन की इस चक्र से मानव जीवन का चक्र भी बंधा हुआ है। लेकिन कभी कभार पृथ्वी का घूमना रुक जाए तब क्या होगा? आइए जानते हैं इस बारे में विज्ञान क्या कहता है। पृथ्वी का निर्माण 4,500 अरब साल पहले हुआ था और उसके बाद यह घूम ही रही है और साथ में बस सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। इस अनोखे ग्रह का निर्माण सौर मंडल में फैली हुई धूल और गैस के अवशेषों से हुआ था, जो एक डिस्क के रूप में सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं से धीरे धीरे पृथ्वी सहित दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ और तब से पृथ्वी घूम ही रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए 23 घंटे और 56 मिनट का समय लगाती है और इस दौरान वह सूर्य की कक्षा में थोड़ा सा आगे भी आ जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल लगता है, यानी इसे अपना पूरा चक्कर लगाने में कुल 24 घंटे लगते हैं। अगर यह घूर्णन रुक गया तो 24 घंटे में होने वाली सारी घटनाएं होना बंद हो सकती है। पृथ्वी खाली अंतरिक्ष में घूम रही है और इसके साथ किसी तरह का घर्षण बल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसे एक चीज धीमी जरूर कर रही है और वो है चंद्रमा। गुरुत्व की वजह से पृथ्वी की ओर का चंद्रमा का हिस्सा और चंद्रमा की ओर का पृथ्वी का हिस्सा सटीक रूप से संतुलित नहीं है। इसके नतीजे में होता ये है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा का प्रभाव होता है। इसे महासागर पृथ्वी के दोनों ओर फूले हुए से दिखाई देते हैं, लेकिन यह प्रभाव बड़ा नहीं है। यह पृथ्वी को घूर्णन पर घर्षण का काम तो करता है, लेकिन घूर्णन को धीमा भी करता है। लेकिन यह इतना छोटा है कि पृथ्वी के एक दिन की लंबाई को 50,000 साल में एक ही सेकंड तक कम कर पाता है। इसके अलावा पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ती भी जा रही है। ऐसे में इस प्रभाव के बढ़ने की संभावना कम ही है। ऐसे में पृथ्वी को दूसरे ग्रह या पिंड से टकराव ही रोक सकता है। कोई विशालकाय क्षुद्र ग्रह यह काम कर सकता है, लेकिन वह कोई ग्रह केवल पृथ्वी को घूर्णन से बदल ही पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। फिर भी वैज्ञानिकों ने यह आकलन भी किया है कि क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे। ऐसे में हम जब भी उसके साथ घूम रहे हैं, अचानक अंतरिक्ष में नहीं फेंके जाने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व अपना काम करता रहेगा। ऐसी हालत में दिन और रात आधे आधे साल के हो जाएंगे। दिन ज्यादा गर्म होगा तो रात ज्यादा ठंडी होने लगेगी। घूर्णन रुकने से जलवायु में बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। हवाओं के बहाव में भी बदलाव होगा। जहां हवा के बहाव के कारण घूर्णन होता है, अब दिन रात के तापमान उसकी वजह होंगे। इसके साथ ही भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर हवाएं बहेंगी। पूर्व से पश्चिम और उल्टी दिशाओं के बहने वाली हवाओं में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पृथ्वी के कवच के कारण सूर्य और सुदूर अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाते हैं। जब यह विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं, तब ध्रुवों पर ओरोर दिखाई देते हैं। पृथ्वी का घूर्णन बंद होने से यह सब कुछ बंद हो जाएगा और लोग कॉस्मिक विकिरणों से बीमार होने लगेंगे।